दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए आगामी 17 नवंबर तक सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते राजनगर एक्सटेंशन में निर्माण कार्य पर रोक के बावजूद निर्माण कार्य होने पर डीडीए ने 2 सोसाइटियों के 4 टावर को सील किया है। प्रदूषण का स्तर केवल गाजियाबाद में ही नहीं बल्कि जो गाजियाबाद के आसपास का क्षेत्र है, आप नोएडा देख लीजिए, ग्रेटर नोएडा देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, गुड़गांव देख लीजिए, जो पूरा एनसीआर का क्षेत्र है वो प्रदूषण से प्रभावित है। और जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट है उसमें करीब 43% रीज़न इस प्रदूषण का पराली है। फिर भी जो शेष बचे हुए इशूज़ हैं उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। अभी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का आदेश भी आया है जिसमें हॉट मिक्स प्लांट है और क्रशर स्टोन्स के जो हैं प्लांट हैं उनको बंद करने के निर्देश हुए हैं। कोल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल कॉलेज भी बंद हो गए हैं। हमने भी एक अपना GIS बनाया है, ग्रैप इम्प्लीमेंटेशन स्क्वाड, जिसमें 28 अधिकारियों की टीम है जो राउंड द क्लॉक शिफ्ट वाइज जनपद में भ्रमण करती है और ऐसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का कार्य करती है। कुछ बिल्डिंग का काम भी रुका हुआ है, 15 तारीख तक अभी रोक रखा है। नॉर्म्स को ब्रेक करके कुछ लोग इसमें अपने निर्माण संबंधी कार्य कर रहे हैं, इसकी शिकायतें हमें मिलती हैं। हमने कुछ शिकायतें विकास प्राधिकरण को भेजी थी, हमने समाचार पत्रों में भी पढ़ा है कि इनको बिल्डर्स को इनको सीज किया गया है, उन पर फाइन इम्पोज किया गया है। नगर आयुक्त को भी हमने लिखा है, जो गार्बेज बर्निंग है वो प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बनती है, उसको भी वो रोकें। तो आज हमने GIS की अपनी बैठक भी बुलाई है, तो इनको भी हम सक्रिय करके जितना प्रतिबंधित हो सकता है, जितना नियंत्रित हो सकता है वो काम हम करें। जो सुसंगत प्रावधान है विभिन्न धाराओं विभिन्न कानूनों में उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और पिछले दिनों हम लोगों ने कार्रवाई की भी है इस पर, उसके बड़े अच्छे परिणाम भी मिले हैं और साथ साथ ये जागरूकता भी लोगों में है। सिस्टम में कानून को मानने वाले और कानून को तोड़ने वाले दोनों लोग होते हैं, लेकिन कानून मानने वालों की संख्या आज ज़्यादा है, तो उनका भी सक्रिय सहयोग हमें मिल रहा है और जो लोग कानून तोड़े उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई। सर, कोई जुर्माने का भी प्रावधान होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना जुर्माना लगाया जाता है? उसका अलग अलग स्लैब है, जिस तरह का